अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीनास कुकिंग। आज मैं आपके साथ कैफ़े और रेस्टोरेंट में बनने वाले पॉपुलर क्लब सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है। अब मैं इसके थिन स्लाइस कर लूंगी, यानी कि इसके फिलेट्स बना लूंगी इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूंगी, जिसके लिए मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर दूंगी और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करूंगी और उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूंगी और आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और उसके बाद मैं इसके लिए, इसकी असेंबलिंग के लिए सॉस तैयार करूंगी, मायो गार्लिक सॉस। तो इसके लिए मैंने 1 कप मायो लिया है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून पार्सले डालूंगी और पार्सले डालने के बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून चॉप गार्लिक डालूंगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूंगी और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। तो इसके साथ ही मैंने असेंबलिंग के लिए सैलड भी तैयार करके रख लिया है। तो अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए कोल्सला बनाऊंगी। तो कोल्सला बनाने के लिए मैं लूंगी 1 कप मायो। तो इसमें अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस जाएगा, 1 टीस्पून इसमें आइसिंग शुगर जाएगी और 1/2 टीस्पून इसमें पेपर जाएगा और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी और इन सबको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप मैंने कैरेट ले ली है और 1 कप मैं कैबेज ले रही हूँ। इसको मैं डाल के मिक्स कर लूंगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें चॉप्ड ऑलिव डालूंगी, ये ऑप्शनल है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और अब मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। इसके लिए आपको सैंडविच ब्रेड की जरूरत पड़ेगी और उसके एजेस को मैं ट्रिम कर लूंगी। और अब मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑलिव ऑयल के साथ। आप बटर भी ले सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम स्लो रखी है। तो अब मैं इसको टोस्ट कर लूंगी। तो इसके साथ ही मैं चिकन फिलेट्स को ग्रिल कर लूंगी। 3 मिनट एक तरफ से करूंगी और 3 मिनट मैं दूसरी तरफ से करूंगी। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। तो इस पे देखिए मार्क आ चुके हैं। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये जूसी नहीं रहेंगे। और ये देखिए अब ये हो गए हैं, 6 मिनट लगे हैं इसको और बहुत परफेक्ट तरीके से ये ग्रिल हो चुके हैं। तो जब ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको कट कर रही हूँ। तो इसको स्ट्रिप्स में कट करने के बाद अब मैं इसकी असेंबलिंग करूँगी। तो अब मैं इसकी असेंबलिंग करूंगी। मैंने ब्रेड स्लाइस के ऊपर मायो गार्लिक लगा के सलाद पत्ता रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर चिकन स्ट्रिप्स रख दूंगी और उसके पास दोबारा मैं इसके ऊपर स्लाइस रखूंगी और ऊपर मायो गार्लिक लगा लूंगी और उसके ऊपर दोबारा सलाद पत्ता रखूंगी, टोमेटो स्लाइस रखूंगी 3 से 4 और 3 से 4 ही मैं इसके ऊपर कोकम्बर स्लाइस रखूंगी और उसके ऊपर दोबारा मैं अब इसके
इसके ऊपर अंडा रखूंगी, जिसके लिए मैंने एक फ्राई अंडा तोड़ के बना लिया है। आप चाहें तो ऑमलेट भी बना सकते हैं। और ये देखें, अब ये बन गया है। तो अब मैं इसके ऊपर सैंडविच के ऊपर इसको रख दूंगी इस तरीके से, और लास्ट में मैं इसके ऊपर चीज का स्लाइस रख दूंगी, ये ऑप्शनल है। तो अब मैं फाइनली रेड स्लाइस रख दूंगी मायो गार्लिक लगा के, और साथ ही मैं इसको अब कट कर लूंगी। तो अब हमारे क्लब सैंडविच तैयार हैं, और साथ ही मैं सर्व कर रही हूँ कोल्सला, और आप चाहें तो इसमें फ्रेंच फ्राइज भी रख सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें शाम की चाय के साथ, और अगर आप चाहें तो इसको छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।